मेरा नाम है विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी फॉर इनोवेटिव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपको एक ही क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या फिर दो या तीन क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कि आप खरीदारी कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग लिमिट रहती है। इसका मतलब ये है कि आप प्लास्टिक कार्ड को लेकर जाइए, कहीं से भी उसकी शॉपिंग कीजिए और कम से कम 50 दिन बाद उसका पेमेंट कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर आपने 1 सितंबर को किसी भी चीज़ की खरीदारी की, कोई भी बिलिंग की, तो आप करीब करीब 20 अक्टूबर तक उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि इन 50 दिनों के लिए आपको फ्री में पैसा मिल जाता है और इसमें जो है ना, आपको किसी भी तरह का कोई भी, इन 50 दिनों में किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। कई बार लोग गलतियां ये करते हैं कि वो रोल ओवर कर देते हैं, यानी कि 50 दिन बीतने के बाद भी वो पैसा जमा नहीं करते हैं। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर आप 50 दिनों तक अपना बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज क्लियर नहीं करते हैं, तो बहुत ही भारी तरीके से पेनल्टी आप पर लगती है, बहुत भारी ब्याज दर आप पे लगती है। तो कई बार लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए भी देखा है क्रेडिट कार्ड के यूज़ होने पर, कि वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते जाते और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो उसका बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जानकार लोग बताते हैं कि यहीं पर आपका दूसरा या तीसरा क्रेडिट कार्ड काम में आता है। कभी भी गलती से भी अगर आप पहले क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको फर्दर पहले क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए और सबसे पहले आपको उसका बिल का पेमेंट करना चाहिए। कई बार अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट नहीं कर पाते, तो आपको मिनिमम 5% बिल पेमेंट ज़रूर कर देना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि सर, हमें एक क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या फिर दो या फिर तीन रखना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पर आपको काफ़ी अच्छा छूट मिलती है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ कंपनियों के क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं, कुछ बैंक से क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको किराना के सामान में ज्यादा छूट देते हैं। वहीं कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पर आपको अच्छी छूट मिलती है। कहने का मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड को अगर आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे, बहुत सोच समझ कर यूज करेंगे, अपने पैसे को इधर से उधर घुमा सकते हैं और इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी लोड नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड का जरा सा भी गलत यूज़ किया, तो आप बहुत भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, आपको पता है कि अगले महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपये आएंगे, लेकिन आपने 50-60,000 रुपये की शॉपिंग कर ली। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने 50-60,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, तो अगले एक महीने या फिर डेढ़ महीने या फिर 50 दिन में आप वो 50-60,000 रुपये कैसे डिपॉजिट करेंगे? यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। प्लास्टिक मनी उनके जेब में है, किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ से जुगाड़ करके या वहाँ से जुगाड़ करके ये पैसा भर दूंगा, जबकि कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत भारी मुसीबत में वो पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो क्रेडिट कार्ड को लेकर। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने वी फॉर इनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।